Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सैंतीस किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटोनिकल गार्डन के बीच चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद 57 किलोमीटर लंबे पिंक लाइन पर मजलिस पार्क और शिवहर के बीच 2021 के मध्य तक चालक रहित मेट्रो सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। पिंक लाइन पर 2021 के मध्य तक मानव रहित मेट्रो का परिचालन शुरू होने की संभावना है। इसके साथ चालक रहित मेट्रो परिचालन का नेटवर्क लगभग 94 किलोमीटर तक फैल जाएगा। ड्राइवरलेस कार यानी कि ड्राइवरलेस मेट्रो का ट्रायल 2017 में किया गया था। इसमें एक बार में 2280 यात्री सफर कर सकते हैं। डीएमआरसी के मुताबिक इस मेट्रो की अधिकतम गति 95 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये ट्रेन 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। ड्राइवरलेस मेट्रो में आगे की ओर ड्राइवर का केबिन नहीं होगा। ऐसे में यात्री अब ट्रेन के अगले हिस्से में जाकर सामने की और रेल ट्रैक भी साफ देख सकेंगे। ड्राइवरलेस मेट्रो का एक और खासियत है कि इसमें रेल ट्रैक पर अगर कोई भी चीज़ 50 मीटर की दूरी पर पड़ी होगी तो यह अपने आप रुक जाएगी। इससे हादसों की आशंका भी कम हो जाएगी। ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन तकनीक के तहत ये ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। इस पे जो ड्राइवर होंगे वो ड्राइवर के द्वारा नहीं बल्कि ऑटोमेटिक रूप से मेट्रो चलती है, लेकिन इमरजेंसी के समय के लिए ड्राइवर ट्रेन में ही रहता है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.